कहते जी किसी आदमी ने अपनी बीवी के पिस्तान चूसे तो दूध अंदर चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल वो तुम्हारी बीवी है, निकाह शिकाह नहीं टूटता, और अच्छा भी है कि तुम्हें मुफ्त में घर में भैंस मिल गई, दूध भी पी लिया, बाकी फायदा भी उठा लिया। बहरहाल निकाह नहीं टूटता, निकाह बड़ा पक्का है। वो तो बचपन में दूध पियो तो फिर रजात साबित होती है, तुम तो माशाल्लाह शादी के बाद पी रहे हो। फर्द नमाज के बाद चूंकि हदीस में है जैसे किसी को तकलीफ हो तो उस जगह हाथ रख के पढ़े बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिइज्जतिल्लाह व कुदरतिही मिन शर्रि मा हाजिर हुआ, तो इसलिए बाज़ रबा कहते हैं कि जिनका दिमाग कमज़ोर है तो अल्लाह का नाम है या कवी हो या कवी हो या कवी हो, हर नमाज के बाद हाथ रख के पढ़ें तो अल्लाह उसको ठीक कर देते हैं, तो कोई मसला नहीं। पढ़े पढ़े ना पढ़े ना पढ़े। महफिल मीलाद जो मुनाकिद करते हैं वो बिदअत है, उसका करना भी नाजायज़ है, उसमें खाना खिलाना भी नाजायज़ है। ये तो ईसाइयों की रस्म है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं।